आगे हम पढ़ते हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 जो के ताल्लुम के नाम से है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 बाब नंबर 4 ताल्लुम मतलब लर्निंग। इसके हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिखता हूँ और आप उसको अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 तभी और फितरी तब्दीली किसे कहते हैं। एक तबी और फितर थी, यानी कि दो नेचर जो होती है उसमें वो किस तरह तब्दीली उसमें हो जाती है या उसे क्या कैसे हम तलाश कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है तो देखना है अगर इसकी डेफिनेशन है तो आपने ऊपर यहाँ पर दरमियान में तबी व फितरती फितरी तब्दीली लिखकर आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है ताकि एक नुमाया हो जाए कि हम इसको लिखने लगे हैं। अफराद में ऐसी तब्दीलियां जो खुद बखुद होती हैं इन में अफराद का हाथ नहीं होता अफराद ऐसी तब्दीलियां सीखते भी नहीं लेकिन फर्द में वो तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं तभी वह फितरी तब्दीलियां कहलाती हैं। इसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मसलन फर्द को भूख लगना प्यास लगना और नींद आना वगैरह आगे भी हम एक लिखते हैं जिस्म के अज़ा
पुख्ता हो जाने पर चलने फिरने लगना वगैरह। तो ये है बेटा तभी वो फितरती फितरी जो है वो तब्दीली किस तरह होती है, जो कि खुद बहुत होती है, इसमें अफराद का हाथ नहीं होता है। ये ऐसी तब्दीलियां हैं जो किसी से सीखने से नहीं आती हैं। भूख लगना, अब भूख जो है वो जब बंदे को लगती है क्या उससे को किसी से सीखना पड़ता है कि भूख किसे कहते हैं, या प्यास लगना होता है, या जिस्म के जब अज़ा इंसान के मजबूत होते हैं तो वो ताकतवर जो है वो हो जाता है। तो ये है तबीयो फितरी तब्दीली। आगे हम पढ़ते हैं सवाल नंबर दो को, ताल्लुम को ताल्लुम से क्या मुराद है, ताल्लुम किसे कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। ताल्लुम एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए माहौल में पेश आने वाले तजर्बात की वजह से फर्द के किरदार में निस्बतन मुस्तहकम और मुस्तकिल तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। जो इस फर्द को अपने माहौल में मुनासिब अंदाज से अपना काम अंजाम देने और पेश करने वाले मसाइल को हल करने के काबिल बना देती है। इसकी एक और डेफिनेशन है जो अब्दुल हई साहब ने लिखी है, उसको मैं एक आपके साथ एक्स्ट्रा शेयर कर देता हूँ। आमोज़िश किरदार की ऐसी तब्दीली है जो
बालिगी, बल्कि नशोनुमा से नहीं बल्कि इंसान के अपने तजुर्बात के नतीजे से पैदा होती है। तो ये किसका कौल है? ये अब्दुल हई साहब का कौल है, जो माहिर तालीम तो कहते हैं कि आमोजिश किरदार की ऐसी तब्दीली है जो बालीदगी से नहीं बल्कि इंसान के अपने तजर्बात के नतीजे से पैदा होती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, तालुम पर असर अंदाज होने वाली रुकावटें कौन सी हैं, यानी कि सीखने का जो अमल होता है उस पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो असरअंदाज होती है और जो उसको सीखने नहीं देती है। तो जिस समय मैंने आपको पहले बताया था, हम फ्रंट लाइन में ताल्लुम और रुकावटें, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है, हो गया। नंबर 1, जिस्मानी तौर पर फर्द का फिट ना होना, जिस्मानी तौर पर वो फिट नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे जो होते हैं जो माजूर होते हैं, वो अपनी माजूरी की बुनियाद के ऊपर वो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक हो गया, वो तालीम के इस मरहले को आगे तक नहीं पहुँचा सकते। मतलब जिस्मानी तौर पर माजूरी क्या मतलब, किस बच्चे की, कई बच्चे आँखों से माजूर होते हैं, वो आँखें जो है वो उनको, उनके अंदर नूर नहीं होता है, उससे वो देख नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहरे होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत नहीं रखी हुई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं, लेकिन चूंकि अब तो जदीद दौर है, अब जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अब हम ये जो अपाहिज लोग हैं, मतलब ये जो गूंगे बहरे हैं और अंधे हैं, इनके लिए भी अब तो तालीम का बंदोबस्त हो चुका हुआ है। लेकिन फिर भी अगर एवरेज देखी जाए तो बहुत कम लोग हैं जो किसी माजूरी का शिकार हों और साथ वो पढ़ रहे हों, तो आपको ये खाल खाल मिलेंगे, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चा तालीम और ताल्लुम या सीखने के मरहले को किस तरह वो, मतलब वो सही सीख नहीं पा रहा होता है, हासिल नहीं कर पा रहा होता है, तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है जिस्मानी तौर पर फर्द का फिट ना होना। दूसरे नंबर पर ज़हानत में कमी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़हीन होते हैं
और जो सबक याद करते हैं फटाफट और एक सेकंड में उनको सबक याद हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुंजन होते हैं, जो बड़ी देर लगा कर सबक याद करते हैं, जब सुनाने की बारी आती है और वो भूल जाते हैं। अब उनके अंदर ये सलाहियत ही इतनी है और बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो सबक याद नहीं कर पाते, तो लिहाजा वो क्या करते हैं, वो तालीम को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तालीम जो है वो हमारे बस का काम नहीं है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, हमसे नहीं याद होता। तो लिहाजा ये जो ज़हानत में कमी है ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है आपकी तालीम या सीखने के मरहले में रुकावट का। नंबर 3, अफराद में मनफी जज्बात का होना, मसलन गुस्सा, जराइम पसंद। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत सोचते हैं, जिनकी सोच जो है वो गलत होती है और उनके जो जज्बात होते हैं वो, मतलब कुछ बच्चे जज्बाती होते हैं, बड़ी जल्दी जो है बनगिख्ता हो जाते हैं और अपने से बाहर हो जाते हैं और अपने इस तालीमी अमल को वो जारी नहीं रख सकते, क्योंकि तालीमी अमल मांगती है सब्र। और जिस बच्चे के अंदर गुस्से जैसी एक सिफ्त बद होगी तो वो कभी भी सीख नहीं पाता है, वो तालुम के अमल को आगे बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि आप गुस्से की वजह से, आप गुस्सा किसी पे भी आ सकता है। अब मिसाल के तौर पर अगर उसको उसके टीचर ने उसकी गलती की वजह पर मारा, अब इसने गुस्सा किया, अब इसके दो तरह के रिएक्शन होंगे, या तो वो फौरी रिएक्शन करेगा उस्ताद के ऊपर हमला करने का, या वो क्या करेगा, स्कूल के बाहर कुछ काम कर देगा या अपने घर वालों की तरफ से कुछ ऐसा कर देगा, तो जिसकी वजह से वो तालीम के इस अमल को और तालुम के इस अमल को मुस्तकिल जारी नहीं रख सकता, क्योंकि उसके अंदर जज्बा, या वो जराइम पसंद है, उसको ये जो जुर्म करने वाले लोग होते हैं या जो नशा करने वाले लोग होते हैं या गलत काम करने वाले लोग होते हैं उनसे ज़्यादा रगबत होती है, उनकी तरफ ज़्यादा मानूस होता है, तो लिहाजा वहाँ पर जो उसको सुकून मिलता है वो तालीम से नहीं मिलता। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है तालीम से दूर होने का और इल्म से दूर होने का। और आखिरी पॉइंट है, नामुनासिब घरेलू माहौल। कुछ बच्चों की पूरी फैमिली ही अनपढ़ होती है और तालीम से कोसों दूर होती है, तो जारी सी बात है बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जिसके घर वाले अनपढ़ हों और बिल्कुल ना पढ़ना ना लिखना जानते हो और ना ही तालीम से कभी उनको रगबत हो, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम तालीम की तरफ जाते हैं। अब अगर सर्वे करें तो कुछ ख़ानदान या ज़ातों में ऐसे लोग भी हैं जो ख़ानदानी तौर पर नहीं पढ़े होते और उन्होंने एक जहन बनाया होता है, जब हमारा बच्चा चले थोड़ा बहुत यह है कि कुछ पढ़ लेगा, कुछ हिसाब किताब कर लेगा, उसके बाद हम इसको नौकरी करवाएंगे, कामकाज करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, इस वजह से सारी सी बात ना वो खुद तवज्जो देते हैं। तो अगर घर वालों को समझाया जाए और इस तरफ लगाया जाए तो वो कभी भी, क्योंकि वो खुद नहीं कभी तालीम की तरफ रगबत दी उन्होंने, तो फिर किस तरह वो बच्चों की तरफ जो है वो बच्चों को इस तरफ लाएंगे। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा एक रुकावट का मामला है उन बच्चों के सीखने के मराहिल में जिन बच्चों के वालदैन
अनपढ़ है या माहौल ही नहीं है तालीम वाला, या उसके वालदैन ने कभी उसको घर में बिठाकर पढ़ाया ही नहीं है, ना कभी उनको पढ़ने को कहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अलमिया है और बहुत बड़ी रुकावट है तालुम यानी कि सीखने के अमल में। तो हमने चार बातें पढ़ी हैं, एक जिस्मानी तौर पर फ़र्द का फिट ना होना, नंबर दो ज़हानत में कमी होना, नंबर तीन अफराद में मनफी जज्बात का होना, और नंबर चार नामुनासिब घरेलू माहौल। अब एक घर के अंदर होती लड़ाइयाँ हैं और एक घर ही चोर चकारों का है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर तो इकबाल पैदा नहीं हो सकता, वहाँ पर कायद आज़म पैदा नहीं हो सकता है। तो माहौल भी बड़ा एक मौसर होता है बच्चे की तरबियत का, और पढ़े लिखे जो फैमिली होती है तो उनके बच्चे भी जो है वो पढ़ ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। और भी ये कोई एक मौजज़ा ही होता है कि अनपढ़ों के घरों के अंदर एक पढ़ा लिखा बच्चा आ जाए। वाकई कुछ हैं इस तरह के भी कि अनपढ़ों में जो है वो एक बड़ा पढ़ा लिखा बच्चा भी पैदा हुआ है, लेकिन ये जो वाक़ात हैं ये बहुत कम पाए जाते हैं। तो लिहाजा हमने तालीम के अंदर जो रुकावट होती है उस में चार चीज़ें हैं उसमें हमने पढ़ी हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार, घरेलू माहौल से क्या मुराद, घरेलू माहौल होता क्या है? बच्चे के घर में रहने वाले अफराद के आपस में ताल्लुकात लेन देन उनका घर में एक दूसरे से अमल और रद्दे अमल यानी घर में होने वाली सरगर्मियाँ और काम बच्चे का घरेलू माहौल है। मिसाल के तौर पर हमें इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, घर में मोहब्बत प्यार गुस्सा लड़ाई झगड़ा वगैरह शामिल हैं। यानी जो घर के अंदर जो आम बच्चा देखता है अपने घर के अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर घर के अंदर आप देखते हैं कि घर के अंदर लड़ाइयां हैं और सुबह से लेकर शाम तक सास बहू या नंद की ये जितनी भी लड़ाइयां हमारे माशरे के अंदर चलती हैं, जब बच्चा इन लड़ाइयों के अंदर पलता है और इन्हीं लड़ाइयों को देख कर जवान होता है, तो जाहिर सी बात है वो इसी की तरफ मानूस होता है और ख़ुद भी वो लड़ाई को ही पसंद करता है। और जिस घर के अंदर प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होती है और सलाम और मोहब्बत और प्यार और अख़ुव्वत मवद्दत तो
और चाहत और उल्फत, ये सारी खूबियाँ जिस घर के अंदर पाई जाती हैं तो बच्चा भी उसी माहौल को फॉलो करता है। तो जिस तरह वो घर से सीखता है, अब वो बाहर भी लोगों के साथ बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ पेश आता है। तो ये ही घर का माहौल होता है। तो घर का माहौल ये होता है कि घर वाले जो होते हैं उनके जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, लेन देन होता है, और दूसरे अमल और उसका फिर रद्द अमल, ये सब कुछ ये एक माहौल होता है जो कि एक बच्चे के ऊपर बड़ा गहरा तअस्सुर जो है वो डालते हैं। सवाल नंबर 5, जज्बात का ताल्लुम पर असर बयान कीजिए कि जज्बात का सीखने के अमल पर कितना गहरा तासुर है। तो हम उसको पढ़ते हैं। जज्बाती तौर पर भी बच्चों में इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये इख्तलाफात बच्चे को घरेलू माहौल से मिलते हैं, उनमें ये इख्तलाफात कई सूरतों में जाहिर होते हैं। बाज बच्चे गुस्सीले होते हैं, यानी कि गुस्से वाले, इनके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बास हंसमुख मिलनसार शर्मीले वगैरह। बच्चों की ये जज्बाती कैफियत उनके काम करने की सलाहियत को मुतासर करती हैं। गुस्सा में बच्चा अच्छे बुरे
की तमीज भूल जाता है। उसे बहुत सी बातें याद नहीं रहती। इसी तरह मुतलविन मिजाज, यहाँ पर मुख्तलिफ मिजाज ज़्यादा बच्चे भी किसी काम को तवज्जो और तसलसल से नहीं कर सकते, लिहाजा जज्बाती कैफियत भी बच्चों के तालुम पर असर अंदाज होती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है गुस्से के अंदर आकर वो सब कुछ फरामोश कर देता है, तो फिर उसमें वो जो सीखने का जो अमल होता है बड़ा ही मुतासर होता है। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इनफरादी इख्तलाफ फात से क्या मुराद है? इनफरादी इख्तलाफात क्या होता है? बच्चों के इनफरादी इख्तलाफात भी तालुम पर असर अंदाज होते हैं। इन इख्तलाफात में जिस्मानी ज़हनी माशरती दिलचस्पियों और तहसील इलम में इख्तलाफात अहम हैं। मसलन ज़हानत की कमी बेशी की वजह से तालुम में कमी होना। आगे है सवाल नंबर 7। जिस्मानी इख्तलाफात ये 3 मिसालें लिखिए।
जिस्मानी इख्तलाफात क्या है? एक नज़र कमज़ोर होना, दो सुनने की इस्तेदाद यानी कि जो ताकत होती है में कमी, हाथ का कट जाना, नंबर चार जिस्म का टेढ़ापन। तो यह जिस्मानी इख्तलाफात है। आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़हानत के तीन दर्जात के नाम लिखिए। ज़हानत के तीन दर्जे, नंबर एक आला ज़हानत, नंबर दो मुतवस्सत ज़हानत, नंबर तीन अदना ज़हानत। तो ये हैं इसके तीन दर्जात। आखिरी क्वेश्चन है, मुआशरती इख्तलाफात की दो इकसाम लिखिए। माशी तौर पर कम हैसियत, यानी कि मुआशी वाले से उसके पास इतने के पैसे नहीं हैं उसको, नंबर दो लोगों का रहन सहन, नंबर तीन अफराद के आपस में ताल्लुकात, और आखिरी है अमली तरबियत की कमी। तो ये माशी इख्तलाफात की दो अकसाम हैं, मैंने चार लिखी हैं, आप इन चारों में से कोई से भी एक याद कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।